सामने देखेंगे तो आपको बार और क्लब देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको डांस करते हुए नजर आएंगे, कोई गर्लफ्रेंड को लेके आए या चार्ज वगैरह कुछ होता है? चार्ज नहीं है, सब कुछ फ्री है। भाई बीच पे ये हाल होता है रात का, ये देखो जंगल की, देखो भाई जंगल की, ये देखो भाई, ये तो रात का ये माहौल होता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए भाई, इस तरह सारे लोग बैठे हुए होते हैं, इस तरह से फॉरेनर वगैरह भी यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे भाई। बादा में गोवा में ये सी टर्टल बीच लाइव दिखाएंगे आपको, आके देखो आप भाई। ये देख सकते हैं, मतलब जो अगर अंदर ना जा पाए, देख सकते हैं भाई ये माहौल होता है यहाँ का, पूरा सेफ है। अच्छा, ऐसा गोवा में कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो फाइनली स्वागत है आप सभी का मेरे को नए व्लॉग में। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है भाई, मैं अभी घूम रहा हूँ गोवा के अंदर। तो आज के व्लॉग में मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ भाई गोवा का फेमस और पॉपुलर वाघा बीच की नाइट लाइफ। जी जैसे कि आप सभी को बता दूं भाई, गोवा के अंदर नहीं पूरी इंडिया के अंदर ये फेमस है वाघा बीच, और साथ के साथ इसकी नाइट लाइफ भी बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो आज अच्छी तरह से आप सभी को यहाँ का रात का माहौल दिखाऊंगा और यहाँ का अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने वाला हूँ भाई। यहाँ पर बाहर म्यूजिक क्लब वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह, कैफे वगैरह आपको सारी चीजें मिलने वाली है। तो अभी मैं मौजूद हूँ पार्किंग के अंदर, तो देखता हूँ आज की मेरी नाइट लाइफ कैसी जाती है। तो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहना, चलिए करते हैं ब्लॉग को शुरू, निकलते यहाँ सीधा वाघा बीच की तरफ। मैं अभी आगे की तरफ आ चुका हूँ चलते चलते, और आप देखेंगे तो यहाँ से जो भी वाघा बीच स्टार्टिंग हो जाता है, आप यहाँ पर देखेंगे तो इतना क्राउड आपको देखने के लिए जस्ट मिलेगा। अभी मैं यहीं पर सामने खड़ा हूँ, अभी मुझे जस्ट उधर की तरफ जाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं इतना क्राउड, ये वाघा बीच की जस्ट इस साइड में लगती है, और आप उधर सामने देखेंगे तो वाघा बीच की एंट्री होती है। अभी मैं जस्ट वहीं से अंदर जाऊंगा, मैंने कि चलो भी आपको थोड़ा सा बाहर का नजारा दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह का यहाँ का बाहर का कुछ नजारा होता है, इतना क्राउड यहाँ पर घूमने के लिए आता है। तो आप देखेंगे यहाँ से जो है वाघा बीच की एंट्री होती है, अभी मैं जस्ट एंटर गेट पर खड़ा हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर आपको लाइटिंग वगैरह देखने के लिए मिलेगी। तो चलो अभी फटाफट से अंदर चलते और दिखाता हूँ यहाँ का रात का क्या माहौल होता है। जिस इधर भी आपको दुकानें वगैरह मिल जाती है, आप जो है एक्सपेंसिव भाई यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ पर महंगा तो आपको मिलेगा। ये देख सकते हैं जस्ट इसी के साइड में आपको मिल जाता है। तो अभी मैं जस्ट यहाँ से सीधा अंदर जाऊंगा। आप देखेंगे तो भाई एंट्री गेट काफी खूबसूरत और लाइटिंग वगैरह आपको देखने के लिए, आप सामने देखेंगे तो भाई आपको जो है वहाँ पर सामने देखेंगे तो आपको बार और क्लब देखने के लिए मिल जाता है। वहाँ पर जो है काफी पब्लिक क्राउड वगैरह, जो टेबल्स वगैरह डली होती है, इस तरह से भाई यहाँ पर बैठती है पब्लिक और खाती पीती इंजॉय करती है। अभी मैं जस्ट आपको यहाँ का सारा अंदर का दिखाऊंगा, अभी जस्ट आगे की तरफ जाऊंगा, और यहाँ पर जो है भाई डांस वगैरह आप सारा कुछ कर सकते हैं। तो चलो अभी फटाफट से अंदर की तरफ चलते हैं। इस तरह से टेबल्स वगैरह, और भाई यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको झोपड़ी वगैरह मिल जाती है, जो की बहुत ही ज्यादा आलिशान और खूबसूरत चमक रही है। सुनील भाई ये बताइए, यहाँ की जो वाघा बीच की नाइट लाइफ है किस तरह की है? जैसे कि हम सुनते हैं मतलब काफी फेमस वगैरह है, यहाँ पर क्राउड बहुत ज्यादा रहता है, तो कुछ ऐसा है या नहीं? इधर क्राउड रहता है, आगे पंजिम बीच है, खाना पीना सब कुछ आता है। अच्छा, आपके यहाँ पर क्या क्या मिल जाता है खाने के लिए? खाने के लिए सब चीज मिलती है, कॉकटेल मॉकटेल जूस के लिए। अच्छा, बियर मिलती है, और क्या डांस वगैरह भी होता है यहाँ पर? डांस वगैरह सब कुछ होता है। अच्छा, जैसे अगर कपल्स वगैरह आते हैं यहाँ पे, या फिर कोई गर्लफ्रेंड को लेके आए, या फिर फैमिली आए, तो क्या चार्ज वगैरह कुछ होता है? चार्ज नहीं है, कपल सब कुछ फ्री है। अच्छा, खाना पीना करे वो भी सारा कुछ फ्री है यहाँ पर। अच्छा, अगर भाई यहाँ पर आते हो तो सिर्फ खाने पीने का चार्ज लगेगा, वैसा आप यहाँ पर बैठ सकते हो, इंजॉय कर सकते हो खाने पीने का? नहीं, बैठ सकते। अच्छा, अच्छा अच्छा, मैं आ चुका हूँ और सामने आप देखेंगे तो भाई स्टेट वगैरह लगा हुआ है, वहाँ पर डांस वगैरह कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। और भाई बीच के सामने का रात का कुछ नजारा ये होता है, यहाँ पर इस तरह से जो आप सभी को पब्लिक नजर आ रही होगी, तो भाई इस तरह से सीधा सारे खाते पीते हैं सारे लोग, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टेबल्स वगैरह आपको मिल जाती है, और आप सामने भी देखेंगे तो आपको एक वाइन शॉप मिलती है जो कि आप वहाँ पर खा पी सकते हैं। और इधर का आप नजारा देखेंगे तो काफी आलीशान और खूबसूरत आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर जो है भाई कपल्स वगैरह और फैमिली भी वगैरह सारी इस तरह से बैठी हुई होती है, तो रात का ये माहौल होता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अभी मैं जस्ट इधर से आया हूँ, मैंने कहा चलो भाई ये भी आप सभी को दिखा देता हूँ। ऊपर आपको इस तरह का कुछ स्टैंड मिल जाता है, यहाँ पर देखेंगे तो अभी क्राउड वगैरह आना स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर जो है सारे लोग डांस वगैरह करते हैं, तो भाई इस तरह का आपको यहाँ पर जो है मिलेगा। ये देख सकते हो ऊपर से काफी अच्छा बना हुआ है, सामने का आपको कुछ इस तरीके का नजारा देखने के लिए मिलेगा, सामने लिखा हुआ है बार वगैरह, यहाँ से आप खा पी सकते हैं, इंजॉय वगैरह कर सकते हैं। आप नजारा देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इस तरह से टेबल्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगी, यहाँ पर आप आ सकते हैं और खा पी के भाई इंजॉय वगैरह कर सकते हैं, स्मोक वगैरह भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो भाई इस तरह से पूरा क्राउड वगैरह आता है यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अभी मैं जस्ट इसके ऊपर जाने वाला हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है भाई एक ये है कोई पैलेस वगैरह, एटिंग पैलेस के नाम से, यहाँ पर भी आप डांस वगैरह कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ऊपर डीजे वगैरह चालू है, तो चलो अभी ऊपर भी जाऊंगा तो वहाँ का भी आप सभी को दिखाऊंगा। पार्टी वगैरह होती है किस कदर यहाँ पर पब्लिक इस तरह से डांस करती हुई नजर आएगी।
देख सकते हैं। तो भाई रात का यहाँ पर ये कुछ माहौल होता है, ये देखिए इस तरह से खाते पीते सारे लोग और इस तरह से भाई फुल इंजॉय करते हैं। ये देख रोहांगा बीच देखेंगे तो आपको बीच देखने के लिए मिलेगा और जो ये बीच के ऊपर बना हुआ है तो देख सकते हैं भाई गोवा का ये पूरा हाल होता है भाई रात का। इस तरह से आपको पार्क के बाहर बीच पे बैठे हुए मिलते हैं लोग, यहाँ पर देख सकते हैं मतलब यार काफी लाइटिंग वगैरह आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर जो लाइटिंग बहुत ही अच्छी इन लोगों ने लगा के रखी हुई है, ये देखिए कुछ इस तरह की लाइटिंग आपको मिल जाती है। इधर भी आप देखेंगे तो लोग भाई इस तरह से डांस वगैरह आपको करते हुए नजर आ रहे होंगे। ये सीधा बाहर के नीचे आपको इस तरह से डांस करते हैं सारे लोग, ये देख रहे आप। अभी मैं जस्ट इसके ऊपर से उतर के आया हूँ, ये देख रूंगा आप, यहाँ का नजारा दिखाया था तो अभी जस्ट यहाँ का आप नजारा देख सकते हैं। तो इस तरह से सारे लोग भाई आपको डांस करते हुए नजर आते होंगे। तो ये यहाँ भाई बीच पे ये हाल होता है रात का, ये देख रूंगा आप। ये मिलेगा भाई देखने के लिए कितने खूबसूरत बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते इसका नाम लिखा हुआ सामने एसटी एंथनी बीच शख्स, तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं भाई, खा पी सकते हैं, इंजॉय वगैरह कर सकते हैं। तो इसके सामने का नजारा कुछ आपको इस तरह का दिखेगा, जैसे कि आप देख पा रहे पब्लिक इस तरह से बैठी हुई होती है भाई, यहाँ पर खाते पीते सारे लोग इस तरह से भाई, पूरी आपको टेबल्स वगैरह मिल जाती है लगी हुई। यहाँ पर आप जो ऑर्डर देंगे आपको इसी के अंदर से सामने से आपको मिलेगा। तो आप देखेंगे सामने से वो आप जो है देख रहे हैं एंट्री गेट है, यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट ये है जो ब्रिटिश के जमाने के यानी कि सामने लिखा हुआ है 1965 में शायद इसको बनवाया गया था। तो ये इसका एंट्री गेट है और इसका एक एंट्री गेट बाहर से भी है। तो यहाँ पर इस तरह से चारों तरफ से इसको जाल से कवर करके रखा हुआ है, ये देख सकते हैं, और इस तरह से सारी पब्लिक आपको बैठी हुई यहाँ पर नजर आ रही होगी। तो भाई इसके अंदर जो बार वगैरह भी और रेस्टोरेंट भी है दोनों चीजें, तो आप इसके अंदर खा पी सकते हैं, इंजॉय वगैरह कर सकते हैं फुल बिल्कुल। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का यहाँ का भाई रात का ये माहौल होता है, और इस तरह से यहाँ पर आपको क्राउड वगैरह भी नजर आ रहा होगा भाई, ये देखिए। और आगे भी देखेंगे तो आपको जो है लाइटिंग वगैरह भी देखने के लिए मिल रही होगी। तो अभी मैं जस्ट आगे की तरफ जहाँ आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ भाई लक्ष्मी एंड रेस्टोरेंट एंड बार, आपको मिल जाता है खाने पीने का सारा सामान यहाँ पर। कुछ इस तरह से यहाँ पर पब्लिक आपको बैठी हुई नजर आ रही होगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मतलब काफी अच्छी लाइटिंग वगैरह यहाँ पर इन लोगों ने लगा के रखी हुई है। ये जस्ट बीच पर ही आपको सारी चीज देखने के लिए मिलेगी, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं भाई, ये देखिए मतलब यहाँ की जो खूबसूरती और लाइटिंग वगैरह तो मुझे बहुत ही अच्छी और पसंद आ रही है। यहाँ की जो डेकोरेशन है भाई, ये यहाँ का सबसे बड़ा बार मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि भाई इसके सामने की जो डेकोरेशन है वो बहुत ही बड़ी है और काफी दूर तक आपको नजर आ रही होगी। और कुछ इस तरह से फॉरेनर वगैरह भी यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे भाई, इस तरह से सारे लोग खाते पीते जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए यहाँ की जो डेकोरेशन है बहुत ही अच्छी और खूबसूरत आपको देखने के लिए मिल जाती है। और सामने देख रहे होंगे तो सामने ये बार है और रेस्टोरेंट वगैरह दोनों है मिक्स, तो आपको यहाँ पर खाने पीने के लिए और आपको यहाँ पर सारी चीज। अगर आप गोवा के अंदर घूमने के लिए आते हो तो वाघा बीच को मत भूलो और यहाँ की नाइट लाइफ मत भूलना देखने के लिए भाई। यहाँ पर जो है ना आपको रात में इस कदर भीड़ मिलती है ना, बहुत ही ज्यादा भीड़ आपको देखने के लिए मिलेगी, बट यहाँ पर आप रात में अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर खा सकते हैं, पी सकते हैं, फुल इंजॉय आप यहाँ पर कर सकते हैं भाई। अगर आप अपनी बंदी के साथ में आती है या फिर कपल्स के साथ में आते हैं या फिर अपने फैमिली वगैरह के यहाँ पर साथ में आते हैं या फिर सिंगल आते हैं भाई, जैसे भी आप आए तो आप यहाँ पर फुल इंजॉय और मजा यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब रात का जो नजारा है ना तो बहुत ही अच्छा है भाई। तो अभी मैं जस्ट और भी आगे जाऊंगा और भी आपको यहाँ का दिखाऊंगा। तरफ आ चुका हूँ और आगे से आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपको नजारा देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर इस तरह से क्राउड वगैरह बैठा हुआ होता है और खाते पीते सारे लोग देखे भाई इस तरह से, और लाइटिंग वगैरह भी आप देखेंगे तो काफी अच्छी लग रही है। यहाँ से देख सकते हैं छतरी वाले डिजाइन दिया गया है यहाँ की डेकोरेशन को, ये देखिए भाई। तो रात का यह माहौल होता है भाई यहाँ का, ये देख सकते हैं, ये देखिए भाई। तो इस तरह से सारे लोग मिलते हैं भाई। इधर का भी नजारा आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपको देखने के लिए मिलेगा, ये देखिए भाई, इस तरह से सारे लोग बैठे हुए होते हैं, ये देख रहे होंगे आप। मतलब यहाँ पर जो क्राउड आपको सबसे ज्यादा मिलता है ये भाई गोवा का रात का माहौल देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से सारे लोग खाते पीते हैं और यहाँ का आप नजारा देखेंगे तो एक अलग ही आपको नजर आएगा। अभी मैं जस्ट आई की तरफ आ चुका हूँ, वहाँ से चलते चलते और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो काफी डेकोरेशन आपको नजर आ रही होगी। तो जैसे कि आप सभी को बता दूं ये भी एक रेस्टोरेंट एंड बार है भाई, ये भी लेबल एरिया FA इसका नाम है, और यहाँ पर भी आपको काफी क्राउड वगैरह देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर भी आप अच्छे अच्छा खा पी सकते हैं, इंजॉय वगैरह कर सकते हैं, डांस वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पर आपको हर एक चीज मिलेगी। और यहाँ की आप डेकोरेशन देखेंगे और यहाँ पर जो पब्लिक वगैरह भी कुछ इस तरह से बैठी हुई होती है भी, ये देख सकते हैं, और यहाँ पर सारे खाते पीते हैं, ये देख चुका हूँ। तो अंदर का कुछ नजारा आपको ये देखने के लिए मिलेगा, और आप जस्ट सामने देखेंगे तो ये इसका एंटर गेट है भाई, और इसका जो एक एंटर गेट है शायद बाहर से भी है आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप जाएंगे सीधा एंटर करेंगे, अंदर डांस वगैरह आप सामने कर सकते हैं। ये देखिए अभी मैं जस्ट अंदर की तरफ आ चुका हूँ, मैंने कहा चलो भाई आपको थोड़ा अंदर का नजारा दिखाता हूँ। तो भाई अंदर का नजारा कुछ ये होता है यहाँ पे, ये देखिए, और इधर का भी आप देखेंगे तो ये कुछ नजारा होता है अंदर का, ये देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से क्राउड वगैरह होता है। अगर बीच के एरिया में आपको जो ये बार और रेस्टोरेंट वगैरह तो अभी शुरू से लास्ट तक आ चुका हूँ, और ये जो देख रहे हैं आप अभी मैं लास्ट स्टेज पर खड़ा हूँ और आप लास्ट का भी देखेंगे तो काफी अच्छी डेकोरेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही होगी, और इसी तरह से यहाँ पर सारे लोग खाते पीते इंजॉय करते हैं भाई। तो अभी जस्ट थोड़ा सा और आगे जाऊंगा, आगे का भी आपको थोड़ा सा नजारा मैं आपको
कराने वाला। यहाँ पर भी जो है काफी अच्छी डेकोरेशन आपको देखने के लिए मिलेगी। अभी मैं जस्ट आगे की तरफ आ चुका हूँ, तो इस तरह से सारे लोग भाई खाते पीते इंजॉय करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं भाई इस तरह सारे लोग बैठते हैं। ये देखिए, तो यहाँ का रात का कुछ यह माहौल होता है। तो मुझे यहाँ पर फिर से एक रेस्टोरेंट देखने के लिए मिला जो कि काफी खूबसूरत है। ये देख सकते हैं यहाँ की जो डेकोरेशन है काफी आलीशान है। तो यहाँ पर मुझे कुछ भाई मिले हैं, ये देख सकते हैं, तो भाई से भी थोड़ा बात करते हैं और यहाँ के बारे में जानते हैं। हेलो भाई, कैसे हो? हम ठीक है भाई, आप कैसे हो? बस बढ़िया। क्या नाम होगा आपका? महेंद्र सिंह सर। अच्छा, तो आपके यहाँ के बारे में बताइए, कैसे कैसे क्या होता है, क्या क्या मिल जाता है यहाँ पर? और चल रहा है हमारा। अच्छा, बागा में, गोवा में ये सी टर्टल बीच। अच्छा अच्छा, आप यहाँ पर फिश का नजारा ले सकते हैं, बहुत अच्छी फिश बनती है। अच्छा, लाइव दिखाएंगे आपको, आके देखो आप। और क्या क्या यहाँ का चार्ज वगैरह क्या होता है यहाँ का? चार्ज सर ज्यादा चार्ज नहीं है सर, अच्छा, हल्का ही है। अच्छा अच्छा, 400-500 में मच्छी मिल जाएगी आपको। अच्छा अच्छा, ये बताइए इसे अगर कपल्स वगैरह आ सकता है या फिर कोई अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आए या फिर सिंगल बंदा आए? हमारा फैमिली रेस्टोरेंट है। अच्छा, कपल्स के लिए बहुत बेहतरीन रेस्टोरेंट है, यहाँ पूरा सेफ है। अच्छा, ऐसा गोवा में कहीं नहीं मिलेगा आपको। अच्छा अच्छा, आप खुद थोड़ा कैमरा घुमा के देखो सर। हाँ, मैंने अभी दिखाया, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारे यहाँ पर स्टाफ के लड़के हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और भाई यहाँ की जो डेकोरेशन आप देखेंगे तो काफी आलीशान और आपको यहाँ को खूबसूरत देखने के लिए मिलेगी। ये देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे जो भाई कपल्स वगैरह बैठे हुए आपको नजर आ रहे होंगे, तो इस तरह सारे लोग बैठे हुए होते हैं। ये देखिए, मतलब काफी अच्छी यहाँ की जो है भाई बर्थडे वगैरह भी सारे लोग बनाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। हमने लिखा हुआ है द वाइट बुल, यानी कि इसका बहुत ही यूनिक नाम है भाई, रेस्टोरेंट एंड बार का। तो देख सकते हैं भाई इसकी जो डेकोरेशन है सामने की, कुछ इस तरह की आपको देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर भी भाई काफी क्राउड देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ये देखिए, कुछ इस तरह से सारे लोग यहाँ पर घूमते हैं, ये देख रहे होंगे आप, मतलब सामने लिखा हुआ है भाई आई लव गोवा, जो सारे लोग सेल्फी वगैरह लेते हैं और इस तरह से यहाँ पर सारे घूमते हैं। सामने लिखा हुआ है भाई आई लव गोवा। तो देख सकते हैं यहाँ का कुछ रात का ये नजारा होता है, मतलब काफी लोग सेल्फी वगैरह लेते हैं, ये देख सकते हैं। अभी मैं जस्ट इसी के सामने खड़ा हुआ हूँ, ये देख रहे होंगे आप, तो इसी के सामने की डेकोरेशन भी काफी अच्छी है। ये देखिए, यहाँ पर आप बर्थडे वगैरह बना सकते हैं, तो काफी अच्छा है। और यहाँ पर जो आप म्यूजिक वगैरह भी गा सकते हैं और भाई डांस वगैरह भी कर सकते हैं। सामने जो है डीजे का स्टेट वगैरह लगाओ, और जस्ट इसी के सामने की जो डेकोरेशन है कुछ इस तरह की आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं भाई, यहाँ की भी डेकोरेशन बहुत ही आलीशान और खूबसूरत है। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह सबसे बड़े क्लब देखने के लिए मिल जाते हैं, सामने लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं भाई यहाँ के सबसे बड़े क्लब है, इसके अंदर आप डांस वगैरह कर सकते हैं। और इसके सामने की जस्ट लॉक, तो भाई यहाँ पर आपको इतना क्राउड देखने के लिए मिल जाता है और पब्लिक भी आपको चारों तरफ बैठी हुई मिलेगी और इस तरह से सारे लोग डांस वगैरह आपको करते हुए नजर आ रहे होंगे। ये देख सकते हैं भाई, ये देखिए, अभी मैं जस्ट इधर की तरफ आया, मैंने कहा चलो भाई ये भी आपको दिखाऊं यहाँ का रात का कुछ यह माहौल होता है। भाई ये देखिए, यहाँ का भी कुछ ऐसा नजारा आप देख पा रहे होंगे। तो अभी मैं जस्ट आगे की तरफ चलता हूँ और भी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कितना क्राउड आप चारों तरफ देख रहे होंगे। यहाँ पर तो अलग ही वेव जा रहा है, देख सकते हैं इतना पब्लिक आपको नजर आ रही होगी चारों तरफ। और भाई ये देख सकते हैं, मतलब जो अगर अंदर ना जा पाए इनके, तो भाई बाहर ही डांस कर रहे हैं सारे लोग। ये देखिए भाई, इस तरह सारे लोग आपको डांस करते हुए नजर आएंगे। और ये भाई रात का यहाँ का माहौल होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे काफी क्राउड आपको नजर आ रहा होगा चारों तरफ। ये देखिए भाई, तो इस तरह से भाई डांस वगैरह होता है यहाँ पर, ये देख पा रहे होंगे आप। ये देखिए, ये रात का कुछ माहौल होता है भाई, इस तरह से डांस वगैरह करते हुए आपको नजर आएंगे। तो देख सकते हैं भाई ये माहौल होता है यहाँ का। ये देखिए सारे इस तरह से यहाँ पर भी आगे देखेंगे तो इस तरह से आपको आगे मिलेंगे। ये देखिए भाई, ये देख रहे होंगे अभी जस्ट मैं यहीं पर घूम रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ की भी डेकोरेशन आपको अलग ही नजर आ रही होगी। ये देखिए भाई, यहाँ का रात का कुछ नजारा ये होता है। ये देखिए, ये देख रहा हूँ आप रात का नजारा। अभी मैं जस्ट इसके सामने आ चुका हूँ और यहाँ पर आप देखें तो इस तरह से भाई डांस वगैरह करते हैं सारे लोग। ये देख सकते हैं आप, इस तरह की तरफ आ चुका हूँ अंदर, इस तरह सारे लोग आपको डांस करते हुए मिलेंगे, देख सकते हैं भाई। ये देखिए, इधर का भी नजारा आप देखें तो इधर खा पी सकते हैं, सारा कुछ आपको मिलता है। ये देख रहे होंगे आप, ये देखिए इस तरह सारे लोग भाई डांस करते हुए आपको मिलेंगे। ये देखिए, मतलब सारे भाई कितने एजी डेजी अंकल की देखो भाई, अंकल की ये देखो भाई, ये देख रहे होंगे आप। ये देखिए सारे भाई, इस तरह सारे डांस वगैरह होता है। ये देख रहे होंगे आप अंकल की, ये देखिए देख रहे होंगे अंकल की, वाह भाई वाह। ये तो ये सारा कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा भाई गोवा के अंदर, ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। अभी मैं जस्ट के सामने खड़ा हुआ हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इधर तो सारे लोग डांस वगैरह कर रहे हैं भाई। ये देखिए, आ चुका हूँ अपनी रूम की तरफ और जैसे कि आज के व्लॉग मैंने आप सभी को दिखाई भाई वहाँ का बीच की नाइट लाइफ और भाई साहब वहाँ का क्या माहौल होता है रात का, जैसे कि आप सभी को अच्छी तरह से दिखाया और वहाँ के लोगों से बात वगैरह भी करी भाई। अगर आप आते हो तो वहाँ पर एंजॉय वगैरह कर सकते हो। तो इस तरह का कुछ रात का वहाँ का माहौल होता है, क्लब वगैरह डांस वगैरह सारी चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाती है। तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी भाई आज की ये मेरी गोवा की नाइट लाइफ, और पसंद आई है तो भाई दोस्तों में शेयर करना एंड लाइक भी वीडियो को कर देना और ज्यादा से ज्यादा इधर उधर भी शेयर कर देना दोस्तों में। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ओके लव यू, टेक केयर, बाय। देखा तेनू पहली पहली बार वे होने लगा।